हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे आमेर के राजा मानसिंह के बारे में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आमेर के राजा मानसिंह का जन्म 1540 ईस्वी सन में हुआ था। राजा मानसिंह अकबर के शाही दरबार के प्रसिद्ध नौरत्नों में से एक थे। अकबर के एक विश्वसनीय सेनापति के रूप में राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दीघाटी जैसे ऐतिहासिक युद्ध सहित कई अन्य युद्ध लड़े। हालांकि एक राजपूत के रूप में राजा मानसिंह का अकबर की सेना में सेनापति के रूप में उदय हुआ और राजा मानसिंह अकबर के एक विश्वसनीय पात्र बन गए थे। चूंकि राजा मानसिंह की बुआ का विवाह सम्राट अकबर से हुआ था और वास्तव में इसीलिए सम्राट अकबर के साथ उनका रिश्ता फूफा और भतीजे का था। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप भी राजा मानसिंह के रिश्तेदार थे, लेकिन महाराणा प्रताप मुगलों से नफरत करते थे, इसलिए मानसिंह को भी आक्रमणकारी मानने लगे थे। इस प्रकार जब अकबर ने एक संधि पर हस्ताक्षर कराने और मुगल संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए मानसिंह को महाराणा प्रताप के पास भेजा, जिसमें उन्हें रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन वहां पर उनका अपमान किया गया। वर्ष 1576 में मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का भयंकर युद्ध हुआ। अकबर ने सेना को भेजा, हालांकि यह सेना औपचारिक रूप से उनके बेटे शहजादे सलीम के संचालन में थी, लेकिन वास्तव में इस सेना पर नियंत्रण मानसिंह का था। महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कुछ नतीजा सही से नहीं निकला, लेकिन प्रताप बचने में कामयाब रहे। झालामान, जो महाराणा प्रताप के दरबार के सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे, उन्होंने मुगलों की सेना को बहकाने के लिए शिरस्त्राण रक्षक टोपी पहनाकर युद्ध का सामना किया और महाराणा को उस युद्ध क्षेत्र से भगाने में मदद की और उस युद्ध में उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। 1585 में कुछ अफगान जनजातियों ने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नौरत्नों में से एक बीरबल, जिन्होंने चल रहे संघर्ष में अपना पूर्ण योगदान दिया। उसके बाद राजा मानसिंह राव गोपालदास अजय खैबर दर्रे को पार कर गए और विद्रोहियों को पराजित किया। वर्ष 1594 में मानसिंह को बंगाल, उड़ीसा और बिहार का शासक नियुक्त किया गया और इस अवधि के दौरान सेनापति मानसिंह ने कई छोटे राजाओं को पराजित करके मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। राजा मानसिंह मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे, इसलिए अकबर के बेटे शहजादे सलीम और मानसिंह के बीच काफी मतभेद रहता था। इसीलिए जब अकबर की मृत्यु हुई और शहजादे सलीम गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने मानसिंह को बंगाल के शासक पद से हटा दिया। राजा मानसिंह ने कई अद्भुत मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें से एक वृंदावन का मंदिर भी शामिल है। राजा मानसिंह ने आमेर के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत योगदान दिया। राजा मानसिंह की इलिचपुर में स्वाभाविक मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।